और मैं साथियों आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ग्रासरूट लेवल पर इकोनॉमी की ताकत बढ़ाने में माइक्रो फाइनेंस का कितना महत्व होता है, माइक्रो फाइनेंस कितनी बड़ी शक्ति बनकर के उभरता है, ये हमने इन 8-9 साल में देखा है। बड़े बड़े अपने आप को महारथी मानने वाले, बड़े बड़े अर्थशास्त्र के पंडित मानने वाले और बड़े बड़े माले तुजारों को फोन टैप कर करके लोन देने वाले की आदत वाले लोग पहले कभी भी माइक्रो फाइनेंस की ताकत को नहीं समझ पाए। आज भी ये लोग माइक्रो फाइनेंस का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको देश के सामान्य नागरिक के सामर्थ्य का समझ ही नहीं है। साथियों, आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें मैं विशेष तौर पर कुछ सुझाव अवश्य देना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग रेलवे तो कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को बैंकों में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिल रहा है। ये आपके लिए देश के विकास में योगदान देने का अवसर है। देश 2047 में जब आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं जानता हूं आज आपकी जो उम्र है ये आपके लिए सच्चे अर्थ में अमृत काल है। आपके जीवन का ये 25 वर्ष देश एकदम से तेज गति से आगे बढ़ने वाला माहौल वाला है और उसमें आप योगदान दे जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितने उत्तम कालखंड में हैं, कितने उत्तम अवसर के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके कंधों पर आप नई जिम्मेवारी ले रहे हैं। आपका एक एक कदम, आपके समय की एक एक पल देश को तेज गति से विकसित भारत बनाने में काम आने वाली है।